साई बैठे। उधर भी देखिए राजीव जी, हमारे देखिए इधर इनकी आंखों में आंसू है, पिताजी की आंखों में आंसू। दिनेश भाई अक्सर बताए क्या होता है, हम पता नहीं किस किस को आई लव यू जाके बोलते हैं, लेकिन शायद माता पिता को कभी नहीं भूल पाते। जी जी, आप अपने पिता के पास बैठे हैं, माँ के पास बैठे हैं ना, एक बार निवेदन करूंगा, जाकर के उन्हें गले लगाइए। जो भी बच्चे अपने पिता के पास बैठे हैं, चरणों बैठे, एक बार पिताजी को टाइट हग कर लीजिए, गले लग जाइए। माँ को, पिताजी को गले लगा लीजिए दिल से, ऐसा मौका फिर पता नहीं कब मिलेगा। और जिनके माता पिता यहाँ नहीं बैठे ना, वो अनुमोदना के लिए तालियां जरूर बजाइए इनके लिए, ऐसे बेटों के लिए। और कोई बात नहीं, आपके माता पिता यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, आप जब भी घर जाएं, जब भी माता पिता से मिलें, सबसे पहले जाकर के उन्हें गले लगाइएगा। राजीव जी, हकीकत में हम जो नए नए पोशाक पहनते हैं, और ये विशेष युवा पीढ़ियों के लिए कहना चाहूंगा, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, पिताजी 40,000-50,000 का मोबाइल लाके देते हैं, लेकिन खुद छोटा सा मोबाइल रखते हैं, खुद के बिल्कुल। हम जो सूट पहनते हैं, लेकिन पिताजी सिंपल सी ड्रेस पहनते हैं। ये जो हमारे कपड़ों पर जो खुशबू है ना, इत्र की, सेंट की, परफ्यूम, ये हमारे पिताजी के मेहनत के पसीने की खुशबू है। ये पिता के जो हमें संस्कार मिले हैं, क्योंकि पिता हमारे परिवार का पालन करता है। माँ तो सिर्फ मारो दिख रो, लेकिन उस परिवार को संभालने वाला वो पिता ही होता है। उस पिता के प्रति एक बार लग जाइए, गले लग जाइए पिता के, बिल्कुल मत शर्माना आज। और क्या कहते हैं संगीत के साथ राजीव जी, अरे आज अगर पिताजी नहीं होते तो हम इस संसार में कैसे आते। क्या हुआ, कईयों की आंखें नम है। फोटोग्राफर भाई ये भी फफक फफक के रो रहे हैं। हकीकत में कईयों के पिता यहाँ पर नहीं है, कईयों की जीवित अवस्था में भी नहीं है, दिव्य लोक से उनका आशीर्वाद बरस रहा है। आज उनकी छवि को याद कीजिएगा। आपके पिता अगर इस संसार में नहीं है तो उनको याद कीजिएगा, श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। आज के इस कार्य के माध्यम से, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, जाने अनजाने में पूरे जीवन भर हमने कुछ न कुछ कोई गलती की है, तो आज मिच्छा में तुगड़म कहने का अवसर है। गलतियों का पुतला होता है इंसान। हमारे भरत जी, आशीष जी यहाँ पर पिताजी का आशीर्वाद दे रहे हैं, पिताजी के गले लग रहे हैं और आंखों में जो है अश्रु धारा है। पिताजी ने जिस प्रकार से आपके जीवन को सवारा है, आप आज जो काबिल हैं, वो सब पिता की मेहरबानी है। ऐसे पिता के चरणों में नमन करते हुए, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता एक ऐसी चीज है, ऐसी हस्ती है कि हम क्या बोले, कैसे उनका शुक्रिया अदा करें। मैं देख रहा हूँ हमारे एक कैमरामैन यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी देर से वो फोटो भी नहीं खींच पा रहे, शायद इतने आंसू तो शायद ही किसी की आंखों में होंगे। बिल्कुल, मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या दर्द है। देखिए राजीव जी, आंसू वो ही बहाता है। कई लोग सोचते हैं आंसू बहाने वाला कमजोर होता है, कमजोर नहीं होता, बहुत हिम्मत वाला होता है ना। जिसके दिल में अपने माता और पिता के लिए प्रेम होता है, और वो प्रेम इतना प्रबल हो जाता है, अपना आप जो है आंसू आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। आइए शुक्रिया अदा करें उन माता पिता को जिन्होंने हमें इस संसार में लेकर के आए और हमें इस दुनिया से रूबरू कराया। मुझे इस दुनिया में लाया और बोलना चलना सिखाया, है मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया और बोलना चलना सिखाया, है माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जितनी बार हो सके ना गले मिलते रहना अपने माता पिता से, जब तक मैं ये गीत गाऊं, जब तक ये मैं गाता रहूं तब तक। जी हाँ, भरत जी यहाँ पर है, आशीष जी हैं, इन दो बेटों के साथ इनकी बेटी भी यहाँ पर विराजमान है, कविता दी। मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, कविता दी आप ही बना रहे, और भरत जी के साथ इनकी भार्या सुश्राविका, संगीता जी, और आशीष जी के साथ अल्पा जी,
संगीता भाभी, अल्पा भाभी आप भी पधारे। आइए। मैं जब से जग में आया बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में कभी कंधों पे है बिठाया। मैं जब से जग में आया बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में कभी कंधों पे है बिठाया। मेरे सिर पर हाथ रख कर बस प्यार भी प्यार लुटाया, हो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया और बोलना चलना सिखाया, हो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। क्या बात है, आशीष भाई कैसा लग रहा है? मम्मी पापा के चरणों में स्वर्ग है। हकीकत कहता हूं, अरे ये वही है जिन्होंने कितना कुछ नहीं किया हमारे लिए। मैं उठकर फिर चल पाऊं इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई और धर्म का पाठ पढ़ाया, हो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया और बोलना चलना सिखाया, है मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। आज एक नियम लेके जाना, एक वचन अपने मन में लेके जाना, और वो वचन क्या होना चाहिए कि माँ पिताजी मम्मी पापा, माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ ना करूंगा, मैं ऐसा कुछ ना करूंगा, मैं ऐसा कुछ ना करूंगा, माँ बाप की आंखों से मैं गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ ना करूंगा, माँ बाप के रूप में मैंने, माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, हूँ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। क्या बात है, जोरदार ताली, जोरदार ताली। अरे मेरी क्या औकात है जी, हमारी क्या औकात है, अगर मैं सच कहूँ ना कि जब देव भी मात पिता के उपकार चुकाना पाए, ना कोड़ा दरबार प्रदीप किन शब्दों में गुण गाए, मैं फर्ज निभा पाऊं तो, फर्ज क्या सिर्फ इतना सा, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, जिन्होंने ये सोचा कि शायद जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा बेटा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, सिर्फ इतना सा फर्ज हमने चुका दिया। एक सच बात कहूं, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति पैसे से कभी अमीर नहीं होता, वो अमीर होता है रिश्तों से।
और सबसे बड़े रिश्ते अगर मैं कहना चाहूं दिनेश भाई, तो यही कहना चाहूंगा वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है जिसके माता पिता जीवित हैं और उसके साथ रहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। वरन उसकी जगह पर अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए तो पड़े हैं लेकिन माता पिता जीवित हैं और उस बेटे के होते हुए माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, वो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। राजीव जी, अक्सर जो हैं कई लोग मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं, आपके पिताजी कहाँ रहते हैं ऐसा कहते हैं, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, लेकिन उसमें भी वो भूल करते हैं। हमें ये कहना चाहिए कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, क्योंकि ये वर्षावास से चातुर्मास से कईयों ने व्रत किए होंगे, तपस्या की होगी, कईयों के बड़ी बड़ी तपस्या होगी, लेकिन किसी कलमकार ने ठीक ही कहा है कि किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, लेकिन कबूल होगा उसका जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा, जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा। क्योंकि माँ बाप से जिनको तनिक भी प्यार नहीं है दुनिया में उसे जीने का अधिकार नहीं है। माँ बाप से जिनको तनिक भी प्यार नहीं है दुनिया में उसे जीने का अधिकार नहीं है। सुख शांति की तलाश में कितना ही दौड़ ले तीनों लोक में कहीं भी उद्धार नहीं है, तीनों लोक में कहीं भी उद्धार नहीं है। लेकिन जब मैं जैन समाज को देखता हूँ, जब जैन श्रावक श्राविकाओं को देखता हूँ, तो बड़े ही गर्व के साथ कहता हूँ, क्योंकि भले ही देश में इतने वृद्धाश्रम खुले हैं लेकिन अपने जैन श्रावक जो हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति वृद्धाश्रम में नहीं है। और हमारे जैनों के बच्चे किस प्रकार से माता पिता का जो है सम्मान करते हैं, ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण देखिए यहाँ पर। ये भरत भाई, आशीष भाई, किस प्रकार से इन्होंने जोरदार आयोजन किया अपने माता पिता के लिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। दिनेश भाई, मैं जब ये बात आई तो मुझे एक चीज याद आती है, एक बहुत पुरानी बात है जी, और वाकई में वो आज के जमाने में सत्य होती है। एक शेर मैंने कहीं सुना था, ऐसा तो कुछ था कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं खुश नसीब था कि मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात, क्या बात। छोटे बड़े की बातें तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। मैं मुझे बहुत से लोग हैं जो बचपन से जानते हैं। एक सच्ची बात दिल से आपको कहना चाहूंगा, अभी जो दिनेश भाई ने कहा, भरत भाई, कि जैन समाज से कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं है, शायद यही कारण है कि मैं जैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी 90-95% कार्यक्रम मैं जैन समाज के ही करता हूं। क्या बात है। और ये कोई बटरिंग वाला काम नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है आज भी श्रवण कुमार जैसा बेटा कहीं देखने को मिलेगा तो सबसे ज्यादा हमारे जैन घरों में। उसका सबसे बड़ा कारण है, आज भी अगर संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली की परंपरा अगर कहीं है तो सिर्फ हमारे परिवारों में होती है। एक बार पूरे जैन समाज के लिए जोरदार दिल से तालियां होनी चाहिए। राजीव जी, सिर्फ मुझे डर है, एक बड़ी प्यारी सी चीज मुझे याद आ रही है, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत बातें करनी है, बहुत सी अभी चीजें बाकी है। आप जाने की जल्दी में तो नहीं है ना? कोई नहीं जाने वाला। एक नियम आज लेकर के जाना, मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ, यहाँ पर तो ऐसा कोई है ही नहीं, मुझे पता है यहाँ पर श्रवण कुमार भले ही ना हो लेकिन ऐसा तो कभी नौबत नहीं आएगी कि हम माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दें। लेकिन मुझे दुख होता है, मुझे डर लगता है आगे भविष्य क्या होगा। आजकल जो फैशन हम देख रहे हैं वो फैशन कैसी कि नया है खौफ ये मोहतबर ना हो जाए, मेरे ख्याल का पौधा कहीं सजर ना हो जाए। ये जो वृद्धाश्रम में भेजने की जो फैशन चला है ना, उसके लिए कहता हूँ कि नया है खौफ ये मोहतबर ना हो जाए, मेरे ख्याल का पौधा कहीं सजर ना हो जाए।